कराची बिरयानी सीरीज चल रही है, शाह फैसल कॉलोनी आ चुके हैं। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कराची में कहीं से भी देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके अपनी बेहतरीन बिरयानी का स्पॉट बताएं और यहाँ की अच्छी बिरयानी तलाश करते हैं। आ जाए मेरे साथ बंड की जियो, खाओ पियो मजे करो। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। खाओ पियो मजे करो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, और आप लोग सब कैसे खैरियत से हैं। मैं हूं ईशान और आपको मेरे चैनल पे एक बार फिर खुश आमदी। तो भाई मंड के जियो, खाओ पियो मज़े करो। कराची बिरयानी सीरीज़ चल रही है और इस पूरी बिरयानी सीरीज़ को स्पॉन्सर किया है अलनाफे मार्केटिंग ने, जिनका एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है। ये चेक करें और फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। कारोबार के लिए सुनहरी मौका, 4K चरंगी बाबा मोड से मुत्तसिल न्यू बोल्टन मार्केट, जहां आपको मिले कारोबार करने का बेहतरीन मौका। एक दुकान की कीमत में दो दुकान, जमीन भी अपनी, छत भी अपनी। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, माहाना किस्त 25,000। अ प्रोजेक्ट ऑफ ओलंपिक प्रॉपर्टीज। पहला सेगमेंट जो है कराची का बड़ा एरिया हमने कवर कर लिया, 5 वीडियोस बनाई औरंगी टाउन की। ओवरऑल मेरा रिव्यू है औरंगी टाउन की बिरयानी क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, लेकिन जायके में थोड़ा सा इन्हेंस करें तो मज़ा दोबाला हो जाए, लेकिन रेट के लिहाज से, सस्ताई के लिहाज से बेहतरीन है। अब हम दूसरे एरिया में शाह फैसल कॉलोनी आ चुके हैं, और शाह फैसल कॉलोनी का ये 3 नंबर का एरिया है, पीछे चौक भी है, चौरंगी है। और यहाँ जानते हैं, यहाँ पूछते हैं कि शाह फैसल कॉलोनी पे कौन कौन सी अच्छी बिरयानी मिल रही है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कराची में कहीं से भी देख रहे हैं तो ज़रूर कॉमेंट करके अपनी बेहतरीन बिरयानी का स्पॉट बताएँ और एड्रेस के साथ बताएँ। हम वहाँ पहुँचेंगे और इंशाल्लाह वहाँ की बिरयानी ज़रूर ट्राई करके आपको बताएँगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, शाह फैसल कॉलोनी का एरिया घूमते हैं और यहाँ की अच्छी बिरयानी तलाश करते हैं। आ जाए मेरे साथ। भाई यहाँ पे एक अंकल हैं, यहाँ पे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं, आपकी रिहाई चाहिए? जी, शाह फैसल 3 नंबर। अच्छा, 2 नंबर पे। कौन सा एरिया कहलाता है शाह फैसल 3 नंबर? हमारी ऑडियंस जानना चाहती है शाह फैसल की बेस्ट बिरयानी कौन सी। बेस्ट बिरयानी का नाम लेंगे इस टाइम जो मतलब आवाम बैठ के जो खाती है यहाँ पट्टियों पे और शॉपों वगैरह पे, तो इस टाइम हाजी तौकीर से अच्छी बिरयानी किसी की नहीं। और अगर आप जैसे शादी ब्याह के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो मेरी नज़र में शौकत पकवान से अच्छा खाना इस कॉलोनी के अंदर कोई नहीं बनाता। वहाँ बैठने की सेटिंग नहीं है, वहाँ पकवान सिर्फ वो पकवान ही है। शादी ब्याह हो गई या कोई तकरीब हो गई, जैसे मेरे आज अपने घर के अंदर मेरे छोटे भाई की माइयों का, और वहीं से बनवाया हम लोग, वहीं से बनवा, पिछले साल कोई 3-4 साल से वहीं से बनवा रहे हैं। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए अंकल आपको, या शुरू से ही हम? ये शुरू से ही, शुरू से ही। अच्छा, माशाल्लाह भाई, पुराने अंकल हैं यहाँ पे, अंकल को पता होगा। तो और लोगों से पूछते हैं कि यहाँ की बेस्ट बिरयानी कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानी है। शानी भाई कैसे हैं आप, ये बताएं। करम है, बहुत करम है अल्लाह का। बिरयानी पुलाव के शौकीन लग रहे हैं। अरे भाई ये वजन ही उससे बड़ा है। अच्छा, सही। तो यार यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं अच्छी और ज़बरदस्त जायके वाली बिरयानी, आप शाह फैसल की कौन सी अच्छी बिरयानी? देखिए शाह फैसल के अंदर जो है ना प्यारे भाई 3-4 नाम है जो बिरयानी के बड़े नाम है। एक बिस्मिल्लाह बिरयानी है, बिना से एक याहिया बिरयानी है, एक तौफीक बिरयानी। ये तीनों बिरयानी माशाल्लाह से अच्छी है। तीनों में सबसे अच्छी नंबर 1 पे किसको रखेंगे? या जिसके पास जो है ना मतलब ये भूख ज़्यादा हो और टाइम मिल जाए वही अच्छी होती है। बाल ये है कि अगर टाइम भी हो पैसा भी हो तो किसको नंबर 1 पर? यार अगर पुलाव की बात करेंगे तो तौफीक का अच्छा है, और बिरयानी की बात करेंगे तो याहिया की अच्छी है। याहिया की बिरयानी, याहिया की बिरयानी ऊपर चल है भाई। याहिया की बिरयानी भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया शानी भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। और यहाँ पे कौन सी अच्छी बिरयानी? यहाँ पे एक लड़का मिल गया, मेहनती लड़का, यहाँ पे इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो? मैं काम करता हूँ। काम करते हो? क्या काम करते हो? चने चाट का। चने चाट का? ये चना चाट ही है जी, जी। ये बेचते हो जी? अच्छा, दिखाओ भाई, दिखाओ, करीब से दिखाइएगा। ये शॉपर में जी? हाँ जी। कितने का पैकेट होता है? 20 रुपये का होता है। तो ये कब से कब तक बेचते हो यहाँ पे? ये मैं सुबह के टाइम पढ़ाई करता हूँ तो शाम के टाइम में 5। पढ़ भी रहे हो माशाल्लाह, क्या पढ़ रहे हो? मैं 7th क्लास में, अभी 7 के पेपर दिए अभी 8 में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल हनान। अब्दुल हनान, तो माशाल्लाह ये कितने बेच लेते हो एक दिन में? एक दिन में 20 पैकेट्स। 20 पैकेट्स। अच्छा माशाल्लाह भाई, यहाँ पे अगर शाह फैसल वाले देख रहे हैं, इसी एरिया में बेचते हो या कहीं बैठने का सीन है? नहीं नहीं, इसी एरिया में घूमते रहते हो? ये चौक के पास ही घूमते हो? भाई अगर आप शाह फैसल के रहने वाले हैं और अब्दुल हनान को जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, तो यहाँ पे किस टाइम से किस टाइम तक? 5 बजे से रात 8 बजे तक। 5 बजे से रात 8 बजे तक हनान होता है।
इससे आपने आना है और छोले चाट जो है ना सारे चट कर जाने। कैसे हैं, कौन बनाता है? अम्मी बनाती हैं। अम्मी बनाती हैं, अच्छा माशाल्लाह, सही है भाई। एक पैकेट हम भी लेते हैं, एक पैकेट हमें भी दो, हम टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट भी बताते हैं ज़रा। दिखाओ भाई दिखाओ, ये 20 रुपये का पैकेट है, ऐसे ही है। स्पाइसी, चटपटा, मज़ेदार आलू और छोले। दिखाएं भाई करीब से दिखाएं, ये है। क्या बात है, तो भाई हन्नान भाई से छोले ज़रूर आपने लेने हैं। बेहतरीन यार हन्नान, तुम कारोबार कर रहे हो माशाल्लाह, अल्लाह ताला को तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। आमीन। ठीक है, तो बिरयानी यहाँ पे कौन सी मशहूर है और किसकी मशहूर है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बिरयानी मशहूर है वो है याया बिरयानी। याया बिरयानी की, सही है सही है। अम्मी भी बिरयानी बनाती होंगी घर में, है वो ज़्यादा अच्छी है याया की ज़्यादा अच्छी है? अम्मी की ज़्यादा अच्छी है। अम्मी की ज़्यादा अच्छी है, चलो यार बहुत शुक्रिया यार हन्नान, थैंक यू। तो भाई अब चलते हैं, मुझे लगता है याया यहाँ पे मशहूर है, मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखी हैं, तो याया चलते हैं और वीडियो उसकी बनाते हैं और आपको जायका भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का करम। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान भाई ये बताएं यार, यहाँ पे बड़ा याया ने धूम मचाई है, क्या जादू है, क्या जायका दे रहे हैं ऐसा? बस अल्लाह ताला गरम ही है, माँ बाप की दुआ है। अच्छा माशाल्लाह, और क्या जादू, इंसान के अंदर कोई जादू नहीं होता। सही सही सही, इंसान के लिए जो अच्छा करोगे वो तो जादू खुद ही होता रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो क्या ज़्यादा यहाँ पे क्या मशहूर है याया की? बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, पुलाव, क्या है? तकरीबन सभी चलता है हमारा। पुलाव अभी हमने हाल ही में नल्ली पुलाव सही है ओपन किया, तो वो धूम से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह सही है। आप रमज़ानों में आते हो देखते हैं आप, तकरीबन रात 5 बजे तक सहरी तक लाइनें लगी हुई होती थी। क्या बात है, और ये आपके मटका बिरयानी का भी स्टाइल बड़ा है, यूनिक है, तो मटका में कैसे सर्व कर रहे होते? मटका और वैसे देग की बिरयानी में फ़र्क होता है या जायके में? बिल्कुल फ़र्क होता है। मटका बिरयानी एक इसलिए शुरू की थी कि किसी के यहाँ मेहमान आ जाए, उसको फ्रेश चाहिए, बिल्कुल गरम गरम चाहिए, तो दो बंदों के लिए हमने तकरीबन रखी हुई, कम से कम 2 बंदों के लिए। इसमें 8% तक है, सही है, मतलब 2 से शुरू होगा और 8 बंदों तक है। सही है। मटकों के साइज आपको दिखा दिए गए, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। मतलब जितने भी मेहमान आए वहाँ आपको ऑर्डर करें और मटका जो है रेडी आपके? बिल्कुल, हमारे पास फूड पांडा भी है, हमारी होम डिलीवरी है और फिर वॉकिंग कस्टमर है। ओके, खुद भी लेके जा सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, रात 4 हमारे पास दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक आपको मटका अवेलेबल मिलेगा। सही है सही है, ठीक है। तो यार थोड़ा सा लोकेशन बताएं यार फरहान भाई, अगर यहाँ पे किसी ने आना हो कैसे आ सकता है? बस शाह फिजल कॉलोनी 3 नंबर में, आप पूछें कि याया बिरयानी, नाम ही काफ़ी है, किसी बच्चे से भी पूछेंगे आपको बता देगा याया बिरयानी। हमने याया बिरयानी का ही पूछते हुए बस। सही है, तो शादी ब्याहों का क्या सीन है? शादी ब्याह का सीन ये है कि हमारा ज़्यादातर तो कैटरिंग का ही काम है, ठीक है, ये जहाँ आप खड़े हुए ये कैटरिंग सेंटर है, ये किचन का, ये किचन है, यहीं से पक्के सब जगह जाता है, ठीक है, और यहीं से शादी ब्याह के ऑर्डर निकलते हैं। ओके ओके, तो ये है कितना पुराना फरहान भाई, कितना अरसा हो गया? ये तकरीबन ये तो सर अभी इसको वो तो अच्छा क्या तो तस्वीर लगी हुई है, बिल्कुल 60 साल हो गए इस काम को। तो हमारे वाले साहब पहले घर घर जाके लकड़ी वो पकाते थे। अच्छा माशाल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक ठेला लगाया, ठेले से फिर ये बाहर हैं, ये दुकानें, ये सब मेहनत का नतीजा होता है। ओके, मतलब ये 60 साल से करते हुए आप लोग माशाल्लाह ये काम आ रहा है। तकरीबन मेरे वालिद साहब कोई 16 साल की उम्र से ये काम कर रहे हैं। ओके, और आज उनकी उम्र हो गई है 80 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आयात है माशाल्लाह, अल्लाह लंबी उम्र दे। ठीक है फरहान भाई, तो हम इंशाल्लाह आपका मटका बिरयानी टेस्ट करते हैं और जायका अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि आपकी बिरयानी कैसी। बहुत शुक्रिया फरहान, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, सब खैरियत है? ठीक है, ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? नोमान। नोमान भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी। बिरयानी है, माशाल्लाह क्या खुशबू है यार, क्या बात है, ज़रा दिखाओ तो भाई। ऑर्डर जा रहे हैं? जी जी। अच्छा यहाँ पे फैमिली का सेटअप भी है पीछे? जी जी, ऊपर माशाल्लाह। अच्छा ऊपर भी है, क्या बात है, पूरा डाइनिंग है यहाँ पे। आप जी जा रहे हैं ये ऑर्डर? अंदर ही जा रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। थाल तैयार हो रही है, उछालो तो जरा, उछालना था बोलिया तो उछालो, क्या बात जबरदस्त बेहतरीन। थाल रेडी हो गया, जरा थाल खाना यार। यहाँ की टाइमिंग क्या है? 9 से 12, सुबह 9 से 12, रात 12 तक। जी माशाल्लाह, क्या जबरदस्त।
भाई बिरयानी का इंतज़ार है, यहाँ पे बैठ गए हैं, मटका बिरयानी की मंगवाई है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाय 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 हाय, मटका आ गया हमारा माशाल्लाह। ये भाई इस तरह की पैकिंग में आता है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया यार। क्या नाम है आपका? खालिद भाई। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, ज़रा निकाल भी दें, क्या बात है, निकालिएगा ज़रा, आप निकालें, आप निकालें, गर्म बहुत होगा ना, क्या बात है, हाय हाय माशाल्लाह, ज़बरदस्त, निकालें भाई निकालें। पूरा इसमें डाल सकते हैं? वाइट अलग करेंगे ना। अच्छा वाइट अलग करेंगे, सही, इसी तरीके से आप सर्व करते हो? जी हाँ। सही है, ज़बरदस्त, क्या बात, वाइट चावल पहले प्लेट में निकाल दिया, क्या टेक्सचर है, हाय हाय, खुशबू जो उठ रही है ना वो बहुत कमाल की है माशाल्लाह। अच्छा ये मैं बता दूँ, ये मटका जो है तकरीबन किलो सवा किलो का मटका होता है, 2% का ये मटका है, लेकिन मेरा ख्याल है और मैंने पूछा भी है कि दो बंदे जो पेट भर के खाएंगे और एक लिटिल स्मॉल बच्चा जो है वो भी, मतलब एक छोटी फैमिली खा सकती है। अब जो है भाई मटके की बारी है, हाय 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 हाय, ओफो ओहो, हाय हाय, क्या बात है, ज़बरदस्त, ये सारी बोटियाँ हैं, हाँ क्या बात, तकरीबन एक 2% में कितनी बोटियाँ डालते हैं आप लोग? 10 से 12 बोटियाँ हैं। अच्छा अब ऊपर से ये चावल, बीफ चिकन बिरयानी होती है, क्या प्रेजेंटेशन है माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा बीफ बिरयानी, बीफ बिरयानी, बीफ पुलाव, बीफ बिरयानी, चिकन पुलाव, तीनों चीज, चारों चीज़ें मटके में भी सर्व कर रहे होते हैं? जी हाँ। और सबकी प्राइस सेम है तकरीबन? सेम है, 2 से 8 बंदों तक का मटका यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई आया की बिरयानी डाल ली है तसले में, अब शुरू करते हैं, और चम्मच से खाना तो मुनासिब नहीं है, जब यहाँ पे मंडने वाला सीन हो और तसला आपके सामने हो वो भी बीफ बिरयानी का, तो आप हाथ से शुरू हो जाएँ, ठीक है ना। तो आप मुझे दिखाएँ भाई, करीब से दिखाएँ ज़रा, मैं बोटियाँ छोटियाँ दिखाऊँ, ये है भाई बोटी, हाय 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 हाय, क्या बात है। अच्छा रिवाज वाली भी बोटी है, और बनाते हैं एक अच्छा सा निवाला, ठीक है, टमाटर शमाटर फुल मसालेदार जो है ये ऊपर से डाल लिया, ये है रिवाज वाली बोटी भी डालते हैं और टेस्ट करके, हाय 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 हाय, टेस्ट करके भरपूर सा निवाला जो है वो आपको बताते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और बिस्मिल्लाह करके टेस्ट करके बताते हैं कि याया की बिरयानी कैसी है, बिस्मिल्लाह। चटपटी ज़बरदस्त मज़ेदार जैसी बिरयानी होनी चाहिए, और ओवरऑल जो खुशबू आपको महसूस हो रही है, प्रेजेंटेशन बोटियाँ छोटियाँ और जो टेक्सचर है भाई, कहना बनता है कि ज़बरदस्त सीन है और अच्छी बिरयानी है। चिकन बिरयानी मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं तो शदाई हूँ बीफ बिरयानी का, तो इसलिए मैंने बीफ बिरयानी ऑर्डर की। और यहाँ पे बैठने बैठने का सीन है, 3 सेटअप है इनके, एक तो किचन है जहाँ पे बैठने का सीन है, इनको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, और अगर मेहमान आए हैं तो आप तो ये मटका जो है ऑर्डर करें, मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आपने टेस्ट किया हुआ तो आपने तो ज़रूर कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। मुझे तो ओवरऑल अच्छा लगा है। अब इनके पतीले का जायका कैसा है, फ़र्स्ट टाइम मैंने याया की बिरयानी टेस्ट की है मटके वाली, तो ये फुली रिकमेंडेड है, मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं यहाँ पे आके, फैमिली का सेटअप भी एक है, एक दोस्तों यारों का भी सेटअप है, 3 सेटअप है, और दूसरा जो है पकवान सेंटर है इनका, किचन वाला है, तो यहाँ आएँ खाएँ, मुझे कमेंट करके बताएं शाह फैसल में और कहाँ की अच्छी बिरयानी है, मुझे एड्रेस के साथ उसके नाम के साथ बताएं ताकि हम वहाँ पहुँचें, और आप कराची में कहीं कभी है आपने अपनी बेस्ट बिरयानी जो है ना भाई ज़रूर बतानी। ये देखें भाई रिवाज वाला सीन देखें, हाय हाय, जब आपको ऐसी भी बोटियाँ मिल रही हों तो मज़ा जो है दुबाला हो जाता है, मज़ा जो है वो बिल्कुल दुबाला हो जाता है, हाय हाय, और इसके साथ भी बनाए निवाला फुल मज़ेदार स्पाइसेस वाले चावल, और हाथ से जो खाने का मज़ा है वो किसी और में कहाँ है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टैग करें अपने दोस्तों यारों के साथ, शेयर करें, मैं ये ख़त्म करता हूँ, और मुझे नहीं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कमेंट करना ना भूलें, अल्लाह हाफ़िज़।